इस वीडियो में हम डेनलॉग की बुक अनलॉक इन विषय कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमारा पैसों के बारे में सोचने का पूरा नजरिया बदल देंगी। और हम जानेंगे कि आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जमाने में पैसा कमाने का बेस्ट और सही तरीका कौन सा है। नंबर वन, अनलॉक योर वेल्थ। इस चैप्टर में डेनलॉग हमें पैसों के ऐसे चार मिथ बताते हैं जो लोगों को फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने देते, जिसमें नंबर वन मिथ है हसल और वर्क हार्ड। डेनलॉग कहते हैं कि अगर आप लोगों से पूछोगे कि और पैसा कैसे कमाया जाए तो लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे कि और ज़्यादा हार्डवर्क करो, और ज़्यादा काम करो या कोई और जॉब करो। तो इस पर डैन लोग कहते हैं कि अगर हार्डवर्क ही सक्सेस का सीक्रेट होता तो आज दुनिया में जो लोग सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो क्यों नहीं अभी तक मिलियनर बने। डैन लोग कहते हैं कि और ज़्यादा काम करने की बजाय हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए कि कैसे हम मार्केट में अपनी स्किल्स से और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि मनी और कुछ नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन की बाय प्रोडक्ट है। यानी आप जितनी ज़्यादा वैल्यू मार्केट में दे सकते हो आप उतना ही पैसा कमा सकते हो। आज अमेजोन, गूगल, ऊबर और जोमेटो जैसी कंपनीज अलग अलग तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं और डेली करोड़ों की वेल्थ जनरेट कर रही हैं। आप भी सोचिए कि आप कैसे अपनी स्किल्स के दम पर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। मिथ नंबर टू, स्टार्टअप बिजनेस। क्या कभी आपने सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की फोटोज देखी हैं जिसमें वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि वो कौन सी कार चलाते हैं, वो कैसे घरों में रहते हैं और वो कैसी जगह पर घूमते हैं। तो डैन लोग इस पर कहते हैं कि कोई भी ऐसी फ़ोटोज़ को देखकर कह सकता है कि मैं भी ऐसी ही लाइफ चाहता हूँ, इसलिए मैं भी इनकी तरह बिजनेस करूँगा ताकि मैं भी एक फैंसी कार चला सकूँ और एक फैंसी घर में रह सकूँ और दुनिया की बढ़िया जगहों में घूम सकूँ। पर डैन लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी नहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत रीजंस के लिए बिजनेस करते हैं। डैन लोग कहते हैं कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं तो लोग मेनली ये थ्री रीज़न बताते हैं कि मैं और पैसा, फ्रीडम और टाइम चाहता हूँ। डैन लोग कहते हैं कि एक बिजनेस आपको फ्री टाइम नहीं देगा क्योंकि बिजनेस की शुरुआत में आपको बहुत सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। मिथ नंबर थ्री, पैसिव इनकम। शायद आपने बुक्स और सोशल मीडिया पर लोगों से पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा कि अगर आप एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लो तो आपको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अगर आप पैसिव इनकम का मीनिंग समझो तो इसका मतलब होता है कि बिना कुछ किए वेल्थ जनरेट करना। और डैन लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे काम नहीं करती क्योंकि रियल इस्टेट खरीदना या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, इन सब कामों में कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है क्योंकि मार्केट बदलता है, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं एंड और भी रीजंस हो सकते हैं। पर यह पूरा सच नहीं है कि पैसिव इनकम बिल्ड करने के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए डैन लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें पैसिव इनकम की बजाय लेवरेज इनकम पर ध्यान देना चाहिए। लेवरेज इनकम का मतलब है कि दूसरे लोगों की रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और टाइम का यूज़ करके इनकम जनरेट करना। एग्जांपल के लिए अमेजोन कंपनी बिना कोई ऑफलाइन स्टोर खोले इंटरनेट का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट सेल कर रही है और अमेजोन के डिलीवरी बॉय दुनिया भर में रह रहे लोगों के घर जाकर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट और डिलीवरी बॉयज अमेजोन के लिए लेवरेज है। और देखा जाए तो आज के टाइम में वेल्थ जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका लेवरेज इनकम ही है। मिथ नंबर फोर, फाइनेंशियल फ्रीडम। डैन लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि उनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें फिर काम ना करना पड़े। डैन लोग कहते हैं कि यह सुनने में तो अच्छा लगता है पर यह एक इल्यूजन है क्योंकि आज फाइनेंशियल फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा रहेगी, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, मार्केट बदलता है, इकोनॉमिक्स बदलती हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बदलती हैं। इसलिए डैन लोग हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के बजाय फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपके पास अपनी स्किल्स के दम पर किसी भी कंडीशन में पैसा कमाने की एबिलिटी होना। डैन लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस ही आपको रियल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड और कंफर्ट देती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कैसे पा सकते हो, तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नंबर टू, द वेल्थ ट्रायंगल। अभी जो आप ट्रायंगल देख पा रहे हो ये वेल्थ ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड है, पावर, प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए आपको इन तीनों साइड्स को यानी पावर, प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करना होगा। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि हम इन तीनों साइड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। पहली साइड है पावर। पावर आती है एक हाई इनकम स्किल से। एक हाई इनकम स्किल वो स्किल होती है जो आपको हर मंथ $10,000
या उससे भी ज्यादा कमा कर दे। कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब हाई इनकम स्किल है। आप अपनी हाई इनकम स्किल से मार्केट में जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे, आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। डेल लोग कहते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको हाई इनकम स्किल को बिल्ड करना चाहिए, ताकि हाई इनकम स्किल से पैसा कमाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। दूसरी साइड है प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है स्केलेबल बिजनेस से। स्केलेबल बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए कम से कम रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज के टाइम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलना चाहते हो, तो ये एक स्केलेबल बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि आपको शॉप खोलने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। बट अगर आप सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर एज अ सेलर बनकर सेल करोगे, तो आप बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए और बिना कोई ऑफलाइन स्टोर के आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अगर आपको हर बार अपना बिजनेस ग्रो करने में ज़्यादा रिसोर्सेस, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो ऐसा बिजनेस स्केलेबल बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि स्केलेबल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसे स्पीड के साथ ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेस और पैसे की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी साइड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आती है एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट से। एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको मिनिमम 10% रिटर्न दे। डेल लोग कहते हैं कि एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का पर्पस इनकम जनरेट करना नहीं है। एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपकी नेटवर्क ग्रो करना है और आपकी पॉसिबिलिटीज को एक्सपेंड करना है। एक हाई इनकम स्किल आपको स्टेबल इनकम देती है। एक स्केलेबल बिजनेस आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। और एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपकी नेटवर्क बिल्ड करती है और आपकी पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड करती है। नंबर 3, अनलॉक योर हाई इनकम स्किल। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज कंपनीज में लोगों के बजाय रोबोट्स काम करते हैं। आज कंपनी सिर्फ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव और हाई टच मेंबर्स को ही फुल स्टाफ रखती है, और कंपनीज अपने बाकी काम ऑटोमेटेड और आउटसोर्स करके और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए करवाती है। आज एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज लोगों को बिना डिग्री के उनकी स्किल्स के बेस पर उन्हें हायर करती है, क्योंकि आज जॉब इकोनॉमी जा रही है और जो नई इकोनॉमी आ रही है वो है स्किल इकोनॉमी। आज लोग अपनी स्किल्स के बेस पर पैसा कमा रहे हैं, ना कि अपनी डिग्री या जॉब पोजीशन के बेस पर। पर अब सब स्किल्स सेम नहीं होती है। अगर आप सप्लाई और डिमांड प्रिंसिपल के बारे में जानते हो, तो आपको पता होगा कि जो चीज़ सप्लाई में ज़्यादा होती है और जिसकी डिमांड कम होती है वो कम वैल्यूबल होती है, और जिसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल होती है। और यही सेम प्रिंसिपल स्किल्स के साथ भी काम करता है। सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल स्किल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लो इनकम स्किल और हाई इनकम स्किल। लो इनकम स्किल सप्लाई में ज़्यादा पर डिमांड में कम होती है, इसलिए लो इनकम स्किल वाले लोगों को कम पैसा दिया जाता है। पर हाई इनकम स्किल सप्लाई में कम पर डिमांड में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा वैल्यूबल होती है। कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग, ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स हाई इनकम स्किल्स हैं जो सप्लाई में कम पर डिमांड में ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वैल्यूबल है। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत ईजी लगती हैं, पर फिर भी लोग हाई इनकम स्किल बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? तो इस पर डेन लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग हाई इनकम स्किल गलत तरीके से डेवलप करते हैं। ज़्यादातर लोग कोई एक स्किल कुछ टाइम तक सीखते हैं और कुछ टाइम बाद फिर कोई और स्किल सीखने लग जाते हैं, और फिर ऐसे लोग किसी भी स्किल के एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इसलिए डेन लोग कहते हैं कि पहले एक हाई इनकम स्किल से हर मंथ $10,000 या उससे भी ज़्यादा कमाना सीखो, और फिर आप कोई और हाई इनकम स्किल ऐड करो। और आप अपनी हाई इनकम स्किल को जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो ये सब बातें मैंने आपको डेनलॉग की बुक अनलॉकेड में से बताई हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो, तो इस बुक का एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ से इस बुक को बाय कर सकते हो।